क्या है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा ढंग का, बहुत परेशानी चल रही है, कोई सक्सेस लाइफ में मिल नहीं रही, तो बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा का ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो, और पाखंड को बढ़ावा देते हैं और अपना एक व्यवसाय शुरू कर देते हैं। बेसिकली बाबा उद्योग कैसे फलता फूलता है वो एक पूरी तरह से फिल्म में वो दिखाया गया, और कुछ नहीं। फिल्म में अगर मुझसे पूछा जाए तो फिल्म में बाबा उद्योग कैसे फलता फूलता वो दिखाया गया। मेरा एक किरदार है, नॉर्मल एक कलाकार होता है वो नाटकों का, वो और बिजन काला साहब हम मिल करके बाबा उद्योग चलाते हैं। देखिए जैसे कि फिल्म का टाइटल है चल गुरु हो जा शुरू, फुल कॉमेडी धमाल फिल्म है, एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म है, और फिल्म के जैसे सारे कलाकार आप देख रहे हैं सब कॉमेडी के मास्टर हैं, तो ये कोई किसी धर्म के लिए कोई सटायर ऐसा नहीं है, ये फुल कॉमेडी फिल्म है। और जो और ये सब्जेक्ट बेसिकली मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ही उठाया है, बेसिकली राइटर भी उस फिल्म का, तो मुझे इनसे ही इंस्पायर होकर मैंने उनजी इंसिडेंट को थोड़ा कॉमेडी वे में जिस पर लोग हर सीन में हंसें और हंसते हंसते कुछ समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए फिल्म क्या है कि एक नया तरीका आ गया है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, किसी को हर्ट करो और उसको प्रमोट करो। यह एक फिल्म है जो जैसे कहते हैं ना कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की फिल्म है, तो इसको जो भी हमारे जो आजकल न्यू वेव सिनेमा है जिस सीमित संसाधन में उसको बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उस तरह से इसको प्रमोट किया गया है। आप देखेंगे तो बहुत सारे शहरों में काफ़ी चर्चा है इस फिल्म की, मीडिया में भी है। कई कारण होते हैं, हमारे एक देश के बहुत बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे पिछले दिनों, तो आप देखेंगे तो सारे आपके हमारे कैमरे सब उन्हीं की ओर मुड़े हुए थे, तो कई सिनेरियो होता है जिसके कारण से चीज़ें कभी कभी नहीं आ पाती हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है कि हमारा सिनेमा है थोड़ा एंटरटेनमेंट तो है ही, थोड़ा सा अलग इस मामले में भी है कि सिनेमा एक सामाजिक दायित्व भी है। मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो अंधविश्वास और ढोंग का, और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि किसी के पास पैसा है तो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो सकता सिर्फ इस बात के लिए कि वो एडवर्टीजमेंट कर ले। समाज में सिनेमा का एक दायित्व यह भी है कि वो आँख खोले, हंसाते हंसाते रुलाते रुलाते, जैसे हमने हंसा हंसा के किया है, कोई रुला रुला के करता है, तो उस दायित्व का निर्वहन भी इस सिनेमा में किया गया है। नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा कंटेंट बिल्कुल अलग है, उनका कंटेंट अलग है, और हमें अपने कंटेंट पे विश्वास है, और फिल्म धीरे धीरे पिकअप हमारी पकड़ेगी ऐसा हमें उम्मीद है। अभी तो शुरू ही कल से हो रही है, तो यही कहूँगा कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, दर्शकों को हंसाएगी, हंसा से कुछ मैसेज भी देगी। यह फिल्म जिसके लिए बनी है उस तक पहुँचेगी।